अच्छा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज है संडे और अब मैं आगरा में अभी नींद खुली है, तबीयत ख़राब हो चुकी है क्योंकि रात में 11:30 बजे तो हम नहाते हैं। और क्या बताऊँ, कोई घूमने नहीं जा रहे, दूसरा संडे है हमारे यहाँ पे और फिर भी हम घूमने नहीं जा रहे हैं। पता नहीं, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हो चुकी है, मैं आपको सब डिटेल में बताऊँगी। पर ठीक है, अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही हूँ, बहुत असाइनमेंट बनाने और घूमने भी नहीं जाना है, तो मैं नीचे धूप में बैठूंगी थोड़ी देर, आपको सब कुछ दिखाती रहूँगी। बाय। ये है हमारे हॉस्टल का कॉरिडोर। ये कौन है, पता नहीं कौन आ रही है। हाँ तो ये नहीं, ये तो है सपना और पीछे से है सुनीता और मनसा, और हम कॉरिडोर में वॉक कर रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं नीचे की, हम ताजमहल नहीं जा रहे गाइस, रोने की बहुत ज़्यादा बात है क्योंकि हम कितने सपने देख के आए और हमारे सारे सपने चौकदा चूर हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, यह है खुशबू और ये इनका रूम है। देखो बाहर से हाथ छापे इन लोगों ने, नई नई फेरी दुल्हन आई थी इनके कमरे में। और यह है कुछ ऐसा हमारा हॉस्टल है, जेलों से बंद हमारा हॉस्टल है। ना हम मथुरा जा रहे हैं, हम ताजमहल जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े कैसे सुखाते हैं। ये देखो गाइस, ये एक कमरा पूरे का पूरा कपड़ों से भरा हुआ, क्योंकि यहाँ कपड़े नहीं सूखते हैं। और आपको मैं बताऊँ तो बाहर इतनी अच्छी धूप आ रही है, सिर्फ संडे को आती है। नहीं, संडे को ऐसा क्या हो जाता है कि संडे को ही धूप आती है और 12 कब बज जाते पता नहीं चलता, क्योंकि 11:30 बजे तक तो मैं उठती हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ी देर में ही सोते हैं। और एक सिर्फ संडे का दिन ऐसा होता है जो कि हम यहाँ सो पा रहे हैं, 2 हफ्ते में सिर्फ 2 संडे और अभी 4 हफ्ते में सिर्फ 4 दिन, मतलब पूरे महीने के, जिसमें हम अच्छे से सो पाएंगे। और बाकी मैं आपको नीचे जाके थोड़ा सा दिखाऊंगी। नया को आ रहा था ताजमहल, हम आ गए हैं ताजमहल। ताजमहल की दीवारें एसिड ड्रेन से पीली हो चुकी है और ताजमहल की छत इतनी छोटी पता नहीं क्यों हो गई है। और ये देखो ताजमहल में सब हॉस्पिटल वाले बेड भी है। और आपको मैं दिखाती हूँ जमुना नदी जो कि सूख गई है। रुको, मतलब वो जमुना नदी है जो, देखो गाइस जमुना नदी आजकल सूख गई है, ये यहाँ से उस क्षेत्र से बाहर जाती है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ताजमहल के बाहर क्या है। गाइस ताजमहल के बाहर तो जंगल है, मैंने तो कुछ और पढ़ा था। गाइस अब मैं आपको ताजमहल का लुक बाहर से आज जाके दिखाऊंगी, थोड़ा सा वेट करो और मैं बाहर से दिखाती हूँ ताजमहल बाहर से कैसा दिखता है। आपको कैसा लग रहा है ताजमहल आके गाइस? गाइस बोलू, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ यार। गाइस इतने महंगे महंगे कपड़े मंगाए थे नेहा ने। अच्छा, वो मैंने कुछ नहीं मंगाया, नेहा ने इतने महंगे महंगे कपड़े मंगाए थे और बेचारे के सारे कपड़े अब किसी काम के नहीं रहे क्योंकि हमें तो कहीं आउटिंग मिल नहीं रही है। कोई बात नहीं, और ये बेचारे सुबह से डिप्रेशन में रो ही रही है। पर क्या कर सकते हैं, नहीं जाना तो नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। अब आगरा तो ऐसा लग रहा है इसमें काठ गोदाम के अंदर 4 दीवारों में के अंदर बैठी हुई। काठ गोदाम भी अच्छा था गाइस क्योंकि वहाँ मैं कम से कम बाहर तो जाती थी, पर यहाँ तो गाड़ी देखना तक नसीब नहीं है कैंपस के अंदर। पागल हो गई हूँ, गाड़ी तब देखी थी जब कैंपस के अंदर आई थी, तब से गाड़ी भी नहीं देखी है, क्या बताओ बेटा। मैंने तो कैंपस में ऑडी भी देखी थी गाइस। बेचारे सारे का सारा हॉस्टल कैसा खाली हो चुका है। ये हमारा कमरा है, ये बेचारी सुनीता। हाँ मैं ब्लॉग बना रही हूँ। हेलो गाइस, ये है प्रियांशी और ये है अंजलि चनियाल। कैसा लग रहा है आपको ताजमहल में? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ यार, तुझे दुख दे। कुछ तो बताइए प्लीज। ये ताजमहल वाली फोटो है गाइस, ये देखिए गाइस क्या लिखा है यहाँ पे, मोह माया है सब। सही बात है, यही ताजमहल है, बाकी सब मोह माया है। ये होली मनाई गई है यहाँ पर, व्लॉग बन रहा है, व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है। यह हमारा चिचंडी सा हॉस्टल, यह हमारा चिचंडी सा कमरा। मैं आपको दिखाता हूँ सामान कैसे रखते हैं, ये देखो। इतना हॉस्टल के सबसे गंदे बच्चे हाँ मैं हम ही हैं, हमारा कमरा सबसे गंदा रहता है, हम सबसे गंदे रहते हैं, हम सबसे लेट उठते हैं, हम सबसे लेट में सारे काम करते हैं। इन सारे बच्चों को
कैसे काम करने में लगे पड़े हैं बेचारे। और दिखाती हूँ आपको, ताजमहल के बाहर का सीन है ये सब। बेचारे सब ताजमहल ताजमहल आके काम क्यों कर रहे हो? ताजमहल में काम करने की जगह है क्या? ये ताजमहल है, घूमो। ताजमहल इस दिन दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत कोहरा हो गया गाइस। कोई बात नहीं, काम कर लो। तो ये है हमारा ताजमहल, बड़ा सा ताजमहल है। उस तरफ भी बहुत बड़ा ताजमहल है। ताजमहल के अंदर दो कुत्ते भी है गाइस, ये दो और कुत्ते हैं ताजमहल के अंदर। कोई बात नहीं, चलो लगे रहो लगे रहो। ये सब चल रहा है संडे को ताजमहल के अंदर। ये ताजमहल में बात क्यों कर रही हो तुम, घूमो ना। ताजमहल तो ये है, ताजमहल ही तो है ये, घूमो अब। नेहा ये ताजमहल में तू काम क्यों कर रही ये ताजमहल में काम क्यों कर रही है बहन? गाइस यहाँ रोना नहीं रुक रहा है इन बच्चों का, रोए जा रहे हैं। क्या हो गया है? ताजमहल आके रो क्यों रही हो तुम? मुमताज बेगम मर गई है। हाँ तो मेरे मुंह में कैमरा डाल दे भाई। ताजमहल आके खिचड़ी का स्वाद कैसा लग रहा है आपको? ताजमहल इतना खूबसूरत है, खिचड़ी अपने आप ही खूबसूरत है। ये देखिए, ये देखिए, जूम करेंगे हम कुछ लोगों को जो इतने महंगे कपड़े लाए थे ताजमहल आने के लिए, आज भी ऑर्डर आ रहे हैं इनके कैंपस के अंदर खिचड़ी। कैसा लग रहा है आपको? ताजमहल है गाइस, ताजमहल की खिचड़ी कैसी लगी? टेस्टी और थी ताजमहल की खिचड़ी, तुम्हें कैसी लगी? अरे तेरा रायता की बर्बाद किया, ताजमहल का रायता पीरा पूरा पियो। थाली में आ रहा है रेड पार्ट जैसा रायता। अरे ताजमहल का खाना है, क्यों नहीं खाएंगे? सब खाएंगे। ये देखो ताजमहल का खाना कैसा है बताओ सारे। ताजमहल के बाहर फ्री में खाना मिला इन्हें, ऐसा पहली बार हुआ है। ये बताओ कि अब हमने साढ़े बारह बजे जो खाना खाया गया है, अब दिन में क्या खाएंगे हम? दिन यही चल रहा है, अबे दिन में तो शाम को क्या खाएंगे? शाम को अपना खाना खाएंगे, चाय पियेंगे। आपको कैसा लग रहा है डॉगी ताजमहल में, बताओ ना? खुशी आई, खुशी एक नंबर थी। नहीं, इसका कलर भी पीला हो गया, ऐसी ड्रेन से पागल है। ताजमहल में बर्तन धो रही हैं, ये बर्तन धो रहे ताजमहल में। चलो धो लो, एक एक करके सबकी बारी आएगी। ताजमहल स्पेशल व्लॉग। धो लो बर्तन, धो लो, तुम भी बर्तन धो जाओगे ताजमहल में। एक दोबारा काम करने लग गई खाना खाने के बाद। ये ताजमहल में पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सोए हैं बेचारे, काम कर रहे हैं बेचारे, मुंह छुपा के। क्या हो गया? ये मेरा काम पड़ा है, अभी करती हूँ थोड़ी देर में, बहुत काम है, फटाफट कर लेते हैं। चलो चलो ऋषि, बाय गाइस। प्लीज पोस्ट तो कर दे ताजमहल आके। अरे अपने सिग्नेचर पोस्ट कर दे, ऐसे वाला पोस्ट कर दे प्लीज यार, कर दे ना। ये मुमताज बेगम का ही स्पेशल पोज है गाइस। ये देखो दूसरी बेगम नंगे पैर ताजमहल घूमने आई है। अरे ताजमहल में कॉपी किताब भी है, पढ़ाई भी जरूरी है गाइस। अब जो आप ये अपना रद्दी ब्लॉग बना रही हो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा। ओ, आप ये कैसी बातें कर रही हो, आपके मुंह में कैमरा। आपको क्या लगता है कि आप इस चीज से फेमस होती हो? आपकी मार्केट में पूरी बेइज्जत हो रही है। गाइस की मारी के ब्लॉग देखिए।
अरे यार तुम लोग ये कैसे बात, गाइस जितने अनलाइक आएंगे हम आपको उतने ही पैसे देंगे। ये क्या बात कर रहे हैं, 200 फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है, चाहिए ये देखिए कितनी बद दुआएं वाली बातें कर रही है ये पागल औरत। यहाँ देख चल, ये देखिए जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो लोग रात भर बैठ के काम करते। अब हमारा आज ताजमहल से वापस आ चुके कमरे पे, ये क्योंकि आज घुघुती भी है, ये तो कुछ भी आ रहा है गाना चला। तो गाइस मैंने आज आपको दिखाया हमारे कमरे में है जिसको बस यही गाना आता है, और क्यों नहीं गाती हो आप, सबको सजेस्ट भी यही करती हो। तुमने नहीं डाला पर तुम कब डालोगी, एक दिन डाला था मैंने भी, तुमने नहीं डाला था। गाइस पांडे चुपचाप काम कर रही है और हम सब मस्ती कर रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए बहुत ज्यादा, इसलिए अब मैं व्लॉग बंद कर रही हूँ और आज हमने खाने में हेलो बीबी हेलो बीबी। गुलामी गुलामी गुलामी, आप तो व्लॉग बना रही हो अपना घटिया, इसमें हमारी ये बातें भी आ जाएंगी। गाइज ये देखो ये पागल औरत जैसे कि हग रही होगी ऐसे पोजीशन में बैठ के काम, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि हगते हुए ही लिखना चाहिए। मैं ही व्लॉग डालूं यार, मैंने ओपीडी की नहीं रिपोर्ट जमा करी अभी तक, मेरे को डांट पड़ेगी।